सबसे पहले हम आपका शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि आप हर जगह पे कवरेज दे रहे हैं मीडिया का, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और आप ये देखे पूरा सहरा पड़ा है, आज ये बदलाव मांगते हैं नूराबाद में, क्योंकि नूराबाद के साथ पिछले 70 साल से जुल्म हो रहा है। तो आज नूराबाद के आवाम ने, बाशूर आवाम ने फैसला किया कि आज हम बदलाव लाएंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर एरिया का रहने वाला गरीब खानदान का लीडर है, तो इंशाल्लाह ये समझता है गरीबी क्या होती है। इंशाल्लाह हमें इस पर हमेशा अच्छा काम करेगा, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एमएलए जरूर बनेगा। नौजवान बुजुर्ग दोस्त यार आज पद यात्रा मे तुम बहुत वेलकम कर तम पोतर डर सरीब खानदान खानदान मे द्रोमुत अच्छे पूर्व उम्मीद करि गरीबन खिदमत यो तान गरीबन दर्द सोन पद यात्रा दमाल हज पोटू अहरबल तान अहरबल पे रिटर्न वापस लहमा वया यप क्या वन रमहमा मांझी वलर रमहमा गड़ी पोरा लकड़ी पोरा इधर ये लड़गू वगैरह वहाँ से नमा हाँ की फोरम अच्छा पजीर हो इंशाल्लाह 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 हमारे साथ लोग हैं, हमने लोगों का साथ दिया है, लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, जीत हमारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी पद यात्रा जिसमें यहाँ लगातार बीच बीच में देख रहे हैं यहाँ पद यात्रा पीड़ित की जानते हैं जिसके सरबराह गुलजार अहमद आज रहता कि ये कहेंगे कि हर कोई सियासी जमात इस वक्त किसी तकदों में है, किस तरह वो अपने वोट बैंक मजबूत करे, उसी तरह ये कहेंगे कि पीडीपी भी अपने तरीके से कोशिश करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने तरीके से कोशिश करे और बाकी सियासी जमातें जो है वो भी आजाद उम्मीदवार हो, एआईटी हो, तमाम लोग जो है देख रहे हैं कि किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की यहाँ पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पे इस रैली में जो नौजवानों की भी अच्छी खासी तादाद है, तो इसी तरह इनके काम दिखाएंगे कि धनु कनी मरक में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला वो भी वहाँ पे इस यात्रा में यानी वो कन्वेंशन में इस भारतीय कन्वेंशन में वहाँ पहुँचे हैं। तो इन्हें हर तरफ से हम देखते हैं जहाँ के आप लोग सियासी जमातें कामयाबी हासिल कर पाएंगे, लगातार तस्वीरें आप उठाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे गुलजार अहमद खान से बात करके लगातार।
की तादाद भी है, क्या कुछ कहेंगे आप? मुकाबला सख्त हो या आसान हो इंशाल्लाह ये 18 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं अल्लाह और रसूल के नाम पर, हमारी कोशिश है, बाकी रिजल्ट उसी के हाथ। जीत हमारे इंशाल्लाह, जीत हमारे इंशाल्लाह, जीत हमारे इंशाल्लाह, हमारे इंशाल्लाह। बिल्कुल मेरी मैसेज है लोगों को कि वो गुलजार अहमद डार को सपोर्ट करें, एक नया कैंडिडेट को सपोर्ट करें। आपने बाकी लोगों को 30 साल 5 साल आजमाया, आज मुझे एक मौका अपनी खिदमत करने के लिए देना है, और मैं मेरी तरफ से ये तमाम नूराबाद के लोगों को दर्द बताना चाहती हूँ। हम तुम्हारे साथ यहाँ से आरेबल, फिर आरेबल से वया जगतपुरा टू नामा। जय साथ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गुलजार अहमद डार उसके साथ साथ जो है हमारे बाकी लोग भी उनका जो कार्यकर्ता है, और लगातार हम तस्वीरें दिखाने की हमने सुबह से कोशिश की है कि आज हम बाकी सियासी जमातों की उसके साथ भी बात करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हर कोई सियासी जमात इस वक्त इसी तक दम है किस तरह वो अपना वोट बैंक मजबूत कर पाए और किस तरह से जो है वो कामयाबी हासिल कर। अब देखना यह होगा, अब कुछ ही दिन बचे हैं, इन्हें कुछ ही दिन बचे हैं जो अब वोटिंग होने को है, लेकिन अब देखना यह होगा 8 यानी 18 सितंबर ये दिन किसके हाथ पर फैसला होगा। अगर ये आपको बताना चाहेंगे कि हर कोई सियासी जमात दावा कर रही है कि हम यहाँ कामयाबी हासिल कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से हम हर कोई मुराबाद इसका नया नाम शेखपुरा दिया गया है, अब यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है कि कौन सियासी जमात यहाँ पे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही उम्मीदवार जीत जाएगा या पीडीपी का उम्मीदवार जीत जाएगा। अब देखना क्या होगा, 18 सितंबर को वोट देंगे या किसके हाथ में वोट देंगे और किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा यहाँ से कामयाब, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे पद यात्रा की तस्वीरें, यानी यहाँ कहेंगे कि ये जो इसकी तस्वीरें जो देखें बारीकोरा से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम बाकी जमात से बात करेंगे और वहाँ से भी उनसे भी जानना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अब आने वाले वक्त में आने वाले दिनों में जो रणनीति रहेगी। तो देखिए आज अपने मेजबान खुर्शीद आलम को इजाजत, आप देखते रहिए कुलगाम टाइम्स।